हेलो फ्रेंड्स, डे टू डे रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम लहसन की चटनी बनाएंगे। लहसन की चटनी राजस्थान की फेमस चटनी है और ये राजस्थान में हर घर में डेली बनाई जाती है। ये जब बहुत ही टेस्टी चटनी लगती है, इसे आप बाजरे की रोटी, चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। तो चलिए लहसन की चटनी बनाना शुरू करते हैं। लहसन की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक छोटा कटोरी लहसन छिला हुआ, एक चम्मच रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच नींबू का रस और नमक स्वादानुसार। सबसे पहले एक जार हम लेंगे, उसमें हम लहसुन डालेंगे, थोड़े से रेड चिली पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच नींबू का रस, और नमक स्वादानुसार। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेते हैं। अब हम ग्राइंड करेंगे। देख लेंगे, ये देखिए हमारी चटनी पिस चुकी है। हम इसे निकाल लेते हैं एक कटोरी में। ये हमारी चटनी कितने अच्छे से पिस, आप देख सकते हैं हमारी ये चटनी पीस करके कितनी अच्छी लग रही है। और ये बहुत ही जल्दी तैयार होती है और आप इसे किसी भी पराठे, बाजरे की रोटी के साथ खा सकते हैं मजे से। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में भी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।